मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के इंतजार करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। जो भी छात्र मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और सभी छात्रों के लिए यह न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी छात्रों के लिए जानना जरूरी है कि क्या है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। हम आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिखाएंगे मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के क्या कहा गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको रिजल्ट का लिंक मिल जाए और पेपर का कटिंग मिलता रहे। तो चलिए उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट को दिखाते हैं और फिर पेपर का हम न्यूज़ भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब यहाँ पर जो न्यूज़ प्रकाशित किया गया है नीचे, तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ में क्या है। श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की शेष बची उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 6 मई 2020 से प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 मई 2020 से प्रारंभ किया जाएगा और ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल BSEB ऑफिशियल अकाउंट के द्वारा जानकारी दी गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं पेपर का न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड पहले स्थगित करने के बाद कई फिर शुरू करने का निर्णय। मैट्रिक परीक्षाओं की बची कॉपियों का मूल्यांकन कल से होगा शुरू और आपको हम रिजल्ट की फाइनल तारीख भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 6 मई से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कर COVID-19 से बचो संबंधी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 6 मई से शुरू किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को बोर्ड ने मूल्यांकन को लेकर दो बार अपनी रणनीति बदली। पहले कहा कि मूल्यांकन 17 मई तक स्थगित रहेगा कोरोना महामारी के कारण, और फिर इससे संबंधित पत्र जो है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेज दिया था, लेकिन दोपहर के बाद मूल्यांकन शुरू करने को लेकर 2 दिनों के अंदर विचार करने की जानकारी दी गई और देर शाम यह निर्णय लिया गया कि मैट्रिक के कॉपियों का जो है मूल्यांकन कार्य 6 मई से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कल से जो है कि मैट्रिक कॉपी का मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिहार बोर्ड 12 मई को घोषित होगा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। तो 12 मई को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।